के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ष पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि हरि। शांत गीत पावन पुनीत, मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के महिमा के चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माधवाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। त्रिकूट धाम के जय हो। व्यास जी महाराज के जय हो। सुखदेव भगवान के जय हो। जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान से बैठ जाएं, आरती लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामदगिरि सरकार की जय। मंदाकिनी मैया की जय। राजाधिराज सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी आह्लादनी शक्ति लाडली प्रिया राधिका जो आनंद बलवन श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य पावन भावमय उपस्थिति में सभी ग्राम देवता स्थान देवता दिव्य सान्निध्यता में मुख्य यजमान के रूप में श्रद्धेय श्रद्धेया मधु जी और सुभाष जी और इनका संपूर्ण परिकर। अब इन 7 दिनों में धीरे धीरे सबका नाम मुझे आ जाएगा। आइए कलिकाल में दूषित हमारा मन बड़ा ही चंचल है। हम यहाँ बैठे जरूर हैं पर शरीर ही यहाँ बैठा रहता है। मन हमारा पता नहीं कितने सफर करके घूम करके फिर आ जाए। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए मन को पावन करने के लिए कलिकाल में भगवान नाम
आइए कुछ क्षण भगवान का नाम गुनगुनाएं और फिर कथा में गोता लगाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम सभी यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवत कथा सुनना ये जीवन का अलभ्य लाभ है। अप्राप्त को जैसे प्राप्त हम कर ले, हमारे लिए कोई वस्तु या पदार्थ कठिन हो और उस वस्तु को हम चाह रहे हो और वो हमें प्राप्त हो जाए। भागवत जी में लिखा है, अनेक जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। एक नहीं,
अनेक जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब हमें भागवत की कथा सुनने का पावन अवसर प्राप्त होता है। आज इस परिवार में पूर्वजों का आशीर्वाद, संपूर्ण आशीर्वाद लग गया है। जब पितरों की हेतु की कृपा और उनका आशीर्वाद होता है, देखिए देवताओं से ज्यादा आशीर्वाद हमारे पितर देते हैं, इस बात को आप दिमाग में रखिए। पितर हमसे कभी रूठने न पाए, कभी नाराज न होने पाए। उनका जब विशेष महोत्सव आता है पितृपक्ष, उस समय हमें अपने पितरों के निमित्त हम जो कर सकें, भले ही हम गया कर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम पितरों से मुक्त हो गए हैं। हम गया में पिंड दान करने गए थे, पितरों से पिंड छुड़ाने नहीं, है ना? नहीं, कभी आप बड़ी परेशानी में होते हैं, आचार्यों को आपने कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा पितृ दोष लगा, तो पितर यदि प्रसन्न हो जाएं तो आपको पता नहीं क्या दे दें, और यदि कहीं नाराज हो जाएं तब बहुत कुछ हमसे छीन भी सकता है। इसलिए आज बड़ी कृपा हुई है इस पावन भूमि पर कि भागवत जी की कथा हम सब, आप सब सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूं। इसलिए श्रोताओं को मैं हमेशा पहले रखता हूं, क्योंकि जब श्रोताओं का अथवा श्रोता का भाग्योदय जब होगा तभी वक्ता का भाग्योदय होगा, क्योंकि श्रोता ही यदि कोई नहीं बनेगा तो वक्ता फिर किसे कथा सुनाएगा। तो श्रोता के भाग्योदय से वक्ता का भी भाग्योदय होता है। हमने जीवन में बहुत कथाएं सुनी होंगी और सुनी हैं, सुनते रहेंगे, पर क्या हमारे जीवन में कथा को सुन करके कोई परिवर्तन आया? क्या उस दिशा की तरफ हम मुड़े? या थोड़े अपने जीवन में जो भी कथा में बताया गया अपने उतारे, अपने आप को हम बदलें? कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो संसार तो बदल रहा है पर हम अपने आप को नहीं बदल रहे। इससे पहले कि वो जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो हमें बदल डाले, तो क्यों ना अपने आप को ही हम थोड़ा थोड़ा बदल लें। भाके कहते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहते गुमान मिट जात हैं। देखिए भा, गा, वा और ता, पहले प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऐसी पढ़ाई होती थी, बोलो का कबूतर, है ना? आज की पढ़ाई में पहले में अंतर है बहुत। जो पूरे विद्यालय में सबसे अव्वल स्टूडेंट होता था उसे जब लास्ट में छुट्टी होती थी तो उसको खड़ा कर दिया जाता था, और फिर सारे लोगों को वो बोलो एक का एक, तो सारे एक स्वर में बोलते थे एक का एक। तो वैसी ही पढ़ाई अब आप लोगों की प्रारंभ होने वाली है, जीरो से ब्रांडेड पढ़ाई, गवर्नमेंट की ही सबसे बड़ी ब्रांड है, बाकी तो सब लूट रहे हैं। तो आज आप लोग हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बने हो, भले ही आप लोग बुजुर्ग हैं पर अब 7 दिन के लिए धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। और हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और 7वें दिन अच्छा रिजल्ट लाएंगे, शैतानी भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे और सिर्फ कथा ही सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाके कहते भाग खुल जात भक्तन के, भाग योदय हो गए, खुल गए,
गा के कहे थे गुमान मिट जाते। अब देखिए जब हम कथा स्थल पर प्रवेश करते हैं तो अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब त्याग करके हमें बैठना चाहिए। हम कौन हैं इस पर हमें भूल जाना चाहिए। हम आज जीव हैं और चर्चा चल रही है ईश्वर की। कई बार लोग आते हैं हम वहां गए तो हमें तो किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, पानी के लिए नहीं पूछा। अरे पानी तो छोड़ो, चाय दुर्दशा। अरे ये कहा होता कि दूध घी के लिए नहीं पूछा तो बात बनती है, चाय के लिए नहीं पूछा। तो ये यहां किसी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है अथवा ना कोई हम ऐसा अपना घर का, ये सीधे ईश्वर से कनेक्शन है जहां जगह मिले। अच्छा जो श्रोता होते हैं वो भागते हैं, वो अपना अभिमान बाहर रख करके आते हैं। कोई बोले हमसे ना बोले कोई बात नहीं, कोई पूछे हमें बैठने के, जहां जगह मिले धावन तिरस लंपटा। जो कथा के रसिक होते हैं वो भागते हैं कि ऐसा ना हो कि हम देरी से पहुंचे और जगह ही पूरी भर जाए। तो ऐसे प्रिय श्रोता बन करके गुमान मिट जाता। वाके कहे ते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, ताके कहे ते भव सिंधु तीरे जात है। देखिए हम जहां तक मैं देख पा रहा हूं हमारे जो श्रोता हैं वो ज्यादा एक्सपायरी डेट ही आए हैं, समझिएगा, जिनका कोई ठिकाना नहीं। युवा वर्ग को समय नहीं है धन इकट्ठा करने में। तो अच्छा देखिए जब हम जवान होते हैं युवा होते हैं उस समय लगता है पहाड़ फोड़ डालो, नदी को बांध दो, तुम जानते नहीं हो हमारा नाम क्या, ऐसे ऐसे भाव युवा अवस्था में मिलना, इस गली में बताऊंगा मैं कौन। लेकिन जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है, वृद्ध हो जाते हैं, इंद्रियां हमारी काम करना बंद, दिखना कम, सुनना कम, चलना कम, बैठना कम, और घर वाले फिर अच्छा देखिए युवा अवस्था में सब हमें चाहते हैं पर जब वृद्धा अवस्था आती है तो घर वाले भी दुर्दशा करना चालू करते हैं। हाँ उन्हें भी हमसे घृणा होने लगती है, कभी जो कहा करते थे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोच रहे हैं कब मरे। ये जैसे पुराने कपड़े की हम केयर नहीं करते हैं, नया कपड़ा जब हम लाते हैं नया बहुत अच्छे संभाल के रखेंगे, उसको डेली साफ करेंगे, ब्रश करेंगे और संभाल संभाल के रखेंगे, पर जब पुराना हो जाएगा तो कोई केयर करता है, वो तो कहीं रद्दी में पड़ा होगा। वैसे ही बूढ़ा शरीर है पुराना, तो उस समय हमें लगता है कि हे भगवान इस संसार सागर से हमें पार करो। जब संसारी हमारे अपने नहीं रहते उस समय हमें भी लगता है कि वास्तव में ये संसार अपना नहीं है। उस समय सिर्फ एक की ही शरणागति दिखती है, हे भगवान इस संसार सागर से हमें पार करो। हाँ भव सागर चाह पार जो पावा, सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम चह पार जो
पावा। संसार सागर, अद्भुत बात है। अब देखिए संसार की तुलना यहां सागर से की गई है। संसार सागर, ये तुलना क्यों की गई है? बोले इनमें कुछ सामान्यताएं हैं। वो क्या सामान्यताएं हैं? बोले देखिए, जो लोग समुद्र देखे होंगे अथवा वहां गए होंगे, तो समुद्र का जो जल होता है वो दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा कंचन लगता है, लगता है चल करके डुबकी मार लें और कुछ पी भी लें, अचमन कर लें, पर दूर से ही देखने में अच्छा है। आपने प्रयास किया कि थोड़ा सा पी लें तो पूरा मुंह खराब हो जाएगा, क्योंकि पानी समुद्र का खारा होता है। उसी प्रकार से ये संसार है, दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जिनके विवाह होते हैं वो सोचते हैं भगवान हमारे लिए कोई योजना नहीं बनाई क्या। अब आज के परिवेश में यही स्थितियां हैं। 40-40 साल के लड़के वो ये कहते हैं, महाराज बताइए कुंडली उंडली देखिए। हमने कहा क्या देखें कुंडली, अब कोई योजना नहीं उन्होंने तैयार करी। तो उसे लगता है हमारा विवाह हो जाए, पर जिसका हो गया वो सोचता है यहां से कब निकला है, अब भाग भी नहीं सकता है। ये पहली सामान्यता। दूसरी, आप देखते हैं कि समुद्र में उथल पुथल होती रहती है, कभी लहरें बड़ी ऊंची जाती हैं और वही लहरें कभी नीचे आ जाती हैं। तो देखिए संसार में भी कभी अनुकूलता की ऊंचाइयां, सब कुछ अनुकूल चल रहा है, घर मकान दुआ लड़के बच्चे सब चकाचक चल रहा है, तो ये अनुकूलता की ऊंचाई है, लहरें बड़ी ऊपर चल रही हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वही स्थिति कोई परिवर्तित हो गई घर में, कोई ऐसी घटना घट जाए या हमारा व्यापार बिजनेस कमजोर हो जाए, तो वो तो प्रतिकूलता की जो है निचाई, हम फिर धरती पे आ गए। हम फर्श से अर्श में जाने के लिए कितना समय लगाते हैं जीवन में, पूरी उम्र खराब कर दी। लेकिन जो सत्ताधारी है उस अर्श पे बैठे हुए व्यक्ति को एक सेकंड में ही फर्श में ला सकता है, ये उसका प्रभाव है। तो देखिए दूसरी सामान्यता। तीसरी, आप देखिए हम, हमारा जो शरीर है इसमें मन एक प्रमुख है, और मन से ही सुख और दुख हैं। मन से ही सुख दुख हैं। और देखिए मन के जो देवता हैं वह हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से हुई है। ये अगली सामान्यता। इसलिए कहते हैं कि संसार सागर से हमें पार करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। देखिए भावभक्ति गा ज्ञान वा वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का जहां संगम है वह है भागवत कथा। अब इन 7 दिनों में भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की ही चर्चा चलेगी। हमें जीवन में क्या ग्रहण करना है और हमें इस जीवन में क्या त्यागना है। बहुत से देखिए अन्यान्य ग्रंथ हैं, आपको जीना सिखाएंगे, जिए हम कैसे। और भागवत एक ऐसा दिव्य पावन ग्रंथ है कि जीने के साथ हमें मरना सिखाता है। जिए कैसे ये तो प्रश्न है ही, लेकिन जिस पहलू की ओर हम नजर नहीं डालते हम मरें कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। हम मरें कैसे? मरेंगे तो भैया सब सही की गलत मरेंगे, सभी मरेंगे तो मरेंगे तो, लेकिन मरें कैसे? यहां तो युवावस्था में हम लोग गाते हैं जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लेकिन हम मरें कैसे? यही बात वहां भी लागू हो जाती है कि यदि मरने में
हमने कहा ना जिए तो जिए कैसे बिन आपके, तो यही बात आप ठाकुर जी से ले लीजिए, मरे तो मरे कैसे बिन आपके। अगर मृत्यु के समय इनका सहयोग नहीं है तो मृत्यु बड़ी बड़ी दुखदाई हो जाती है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो भागवत की कथा जीना और मरना दोनों सिखाएगी आपको। हम जीवन में हमें सफर में जाना होता है तो कहते हैं भैया 5 दिन पहले से पैकिंग तैयार करो, कोई चीज रह ना जाए क्योंकि सफर में जाना है हमें। हम बड़ी उसकी तैयारी करते हैं कुछ रह ना जाए, कितनी व्यवस्थाएं। लेकिन क्या हमने मरने की पैकिंग चालू की है? इसलिए नहीं चालू की कि कोई मरना ही नहीं चाहता। तो जब मरना नहीं चाहता तो पैकिंग काहे की? वो तो जबरदस्ती उठा लेता है। वो जीव का बस चले तो कभी नहीं मरना चाहता। वो तो सिर्फ मारना जानता है। उसे तो लगता है सब मर जाए, पड़ोसी मर जाए, सब मर जाए, हमारा ही मकान बने, हम ही दिव्य रहे, सब कुछ हो। ये जीव की साधारण सोच। भागवता भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने कहा है वही चर्चा अब यहां करी जाएगी। जो भगवान ने कहा है उसी को कहते हैं भागवत कथा अथवा भगवत्या प्रोक्तम। जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है वृषभानुनंदिनी, अथवा उन्होंने जो बात कही है वही है भागवत कथा। तो जो भगवान ने कही है वही चर्चा हम आपको सुनाएंगे और वही आप सुनेंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारा है ईश्वर से जुड़ना। हम जीवन में बहुत से काम करते हैं संसार को रिझाने के लिए। जीवन हमारा बीतता है संसारियों को प्रसन्न करने में, पर आप इस बात को भूल जाइए कभी कोई प्रसन्न नहीं होता है। आपसे कोई ना कोई नाराज होता बना ही रहेगा, आपसे किसी ना किसी को, सबको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे हो कोई ना कोई आपसे दुखी बना रहेगा। पर भागवत जी की कथा है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। संसारी साथ छोड़ जाएंगे पर जिसको प्रसन्न करने के लिए हमने ये कथा रखी है वही आपका अंत तक साथ निभाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब हम भागवत जी की जो कथा है उसके महात्म में प्रवेश करें। महात्म मतलब महिमा। हम कथा क्यों सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए, और जिसने पहले सुना उसे कथा सुन करके कौन सा लाभ प्राप्त हुआ, इन सब विषयों पर चर्चा। देखिए भागवत जी जो ग्रंथ है, वेदव्यास जी ने कितने पुराण लिखे हैं, 18, और भी बहुत कुछ लिखा, 17 पुराण लिखने के बाद ही वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना प्रारंभ किया है। यानी कि वेदव्यास जी की जो अंतिम लेखनी है वह है भागवत कथा। हम शिव पुराण सुने, देवी पुराण सुने, राम कथा सुने, ठीक है सुनना चाहिए, आप सब पुराण सुन लें, लेकिन जब तक भागवत की कथा नहीं सुनेंगे परिपूर्णता नहीं आएगी। और कुछ भी आप न सुने सिर्फ भागवत जी की कथा सुन लें तो परिपूर्णता आ जाएगी। क्योंकि 17 पुराण लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को असंतोष रहा तो नारद जी ने यही बात कही कि आपने सब कुछ लिखा है पर जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा है। तो जब तक उसे आप नहीं लिखेंगे परिपूर्णता नहीं आएगी। अच्छा एक विशेषता देखिए भागवत जी की। भागवत जी का जो महात्म है वो 2 पुराणों से लिया गया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। और पद्म पुराण और स्कंद पुराण की रचना पहले ही हो चुकी है, जैसा मैंने कहा कि 17 पुराण लिखने के बाद ही भागवत जी की रचना हुई है। और इन दोनों पुराणों में भागवत जी की चर्चा पहले से की गई है, यहीं से तो महात्म लिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको भी? आप मुख्य श्रोता हैं, बाकी तो सब ये मस्तियां कर रहे हैं। ये तो वैसे हैं कि भैया पंडित जी ने पूजा किया, शालिग्राम भगवान का चरणोदक बांट रहे हैं, लूट ले हो, लूट ले हो। तो वैसे पूजा तो सब पंडित जी ने किया है, तो
आपको पहले बात समझ में आनी चाहिए, आप हैं क्लास के मॉनिटर, ध्यान भी रखना है सब। जिसकी अभी रचना ही नहीं हुई उसकी चर्चा पूर्ववर्ती पुराणों में क्यों, जो है ही नहीं, जिसे जानते ही नहीं, जिसे कोई। इसका तात्पर्य यह है कि जो भागवत जी की कथा है वो सनातनी है, आज की नहीं है। काल क्रम से जब ग्रंथ लोप होते हैं और पुनः सृष्टि होती है तो संजो करके रखे जाते हैं, तो हमारी जो भागवती कथा है वो सनातनी है, अनादिकाल से। तो महात्म का पहला श्लोक सभी लोग श्रवण करें और भागवत जी को अब हम प्रारंभ करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। ये श्लोक किसे किसे याद है, हाथ ऊपर करके बोलो। है किसी को याद नहीं ना? क्या करते हैं आप, इतनी उम्र हो गई। इन 7 दिनों में ये भागवत महिमा का पहला श्लोक सबको याद होना चाहिए। ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है ना, क्लास में दिया जाता है। मैं 7 दिन के लिए बोल दिया क्योंकि मुझे पता है कि एक श्लोक याद करने में बड़ा परिश्रम लगेगा आप लोगों को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। एक श्लोक के पाठ करने से संपूर्ण भागवत के पारायण का फल प्राप्त होता है, ऐसी महिमा है पहले श्लोक, इसलिए मैंने कहा है सब लोग याद कर लीजिए। भाई आज के परिवेश में सबके पास मोबाइल है, जहां आप गूगल में डालेंगे सच्चिदानंद तो पूरा श्लोक निकल के आ जाएगा। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते होंगे आप इतने श्रोता बैठे हो, आप में से किसी ने आज तक उन्हें देखा है? सही बोलना, जिसने देखा हो हाथ उठाओ। अब एक जगह कथा में ऐसे बोले हाथ उठाओ, एक व्यक्ति ने उठाया, हमने कहा दंडवत कर ले तुम्हारे, हम यहां जूझ रहे हैं 20 सालों से, हमें तो कभी समझ में नहीं आया किधर है वो, हम तो इन्हीं को देख देख के जी रहे हैं। हमने कहा आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं कि आपको इस साधारण से। देखिए क्या है, हम उसे देख पाए ये हमने अपनी आंखों में वो पावर नहीं बनाया, उसे देखना कठिन नहीं है, उसे देखना कठिन नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। तो फिर क्या करें भाई, हमारी परंपरा में इसीलिए बातें बताई जाती हैं, संतों का संग करिए, अपने से बुजुर्गों के पास बैठिए। आज के परिवेश में बुजुर्गों का साथ हम सब छोड़ते जा रहे हैं, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनसे सलाह लेना। युवा वर्ग यदि अपने जीवन में हर कार्य बुजुर्गों से सलाह लेकर के करे तो वो कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव है। भाई हमने तो केवल पढ़ाई किया है,
पर जो बुजुर्ग हैं वो 70 साल 80 साल 50 साल का एक अनुभव लिए हैं। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया युद्ध के बाद कि हमने आखिर क्या प्राप्त किया इतना बड़ा युद्ध करा के इस गद्दी के लिए। तो भगवान के मन में भाव आया कि यदि मैं बात कहूंगा तो इन्हें समझ में नहीं आएगी, किसी अनुभव वाले आदमी के पास ले चलो इन्हें। तो भीष्म पितामह के पास ले गए, बोले जो बात मैं कहना चाहता हूं वही बात आप कहिए। तो जीवन में संत महापुरुष बुजुर्ग माता पिता इनसे बैठिए, इनके पास दो बातें करिए, इनसे पूछिए आपने जीवन जिया तो कहां गलती किया है, तो आपके जीवन में गलत मोड़ आया है। भाई संसार में कोई ऐसा है नहीं जो गलती ना करे, पर आखिर आपने कहां गलती किया है कि आपके जीवन में मोड़ आया और सब कुछ बदल गया, तो वो बताएंगे। इसलिए हमारे यहां ईश्वर और जीव के बीच में एक परंपरा है जिसे कहते हैं सद्गुरु। हमारे यहां परंपरा है गुरु बनाने की। अब हमारा गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशन है वो बड़ा पवित्र होता है। वो कितना पवित्र है, जैसे पिता और पुत्र का ये रिलेशन होता है शिष्य और गुरु का। हम जीवन में कई बार गुरु जी के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई उपाय बताइए। अब गुरु जी सोचते हैं, हम सोच रहे थे कि तुम आओगे तो 1100 रुपया चढ़ाओगे, हम ऐसे पूछ रहे हो कि व्यापार नहीं चल रहा। भाई ये गुरु जी के पास कोई ऐसा मैजिक होता तो वो क्यों इंतजार करता कि हमारा चेला आ रहा है तो 1100 चढ़ाएगा। ये चीज नहीं पूछना है, ये तो अपने पुरुषार्थ से परिश्रम से कृपा से हम कर जाएंगे। पर जो हमें जानना है जिसे हम नहीं जान पाए, उनको जानने के लिए कोई मार्ग पूछे, कोई रास्ते पूछे, जीवन हम कैसे जिए, हम जीवन में ईश्वर को कैसे जोड़े, ये सब बातें हम आगे। अच्छा तो उसे हम देखने वालों ने देखा भी है उसे, हम लोगों ने भले नहीं देखा। अब आप देखते हैं भक्तमाल की कथाएं चैनल में भी आती रहती है, इनमें जो 108 भक्तों की कथा है ये सभी भक्त अभी के हैं। अब गोस्वामी जी बहुत पुराने हैं क्या, आप ही का परिकर तो है। तो कहने का मतलब उसे देखा भी जा सकता है लेकिन हम में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमने कभी हवा को देखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने हवा को देखा है, नहीं देखा। पर जब वह चलती है तो स्पर्श बताता है कि ये सर्द हवा है कि ये गर्म हवा है, स्पर्श अनुभव। जब चली ठंडी हवा दिल ने तुम्हें याद किया। तो कहते हैं उसी प्रकार से वह ईश्वर है, उसका अनुभव करिए, उसका आभास करिए उस हवा की तरह। वो दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, हवा दिख नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, आभास तो हो रहा है, वैसे ही वह है, अनुभव करिए। ऐसी दिव्य उनकी सत्ता है, लेकिन जिस पर वह कृपा करते हैं उसी पर उनका उनकी कृपा बरसती है। हाँ सोई जान हो जही दे हो जनाई, सोई जान हो जही दे हो जनाई, सोई जान हो जही दे हो जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए राम जय जय राम, श्री राम जय
चार जगह हैं, आप लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस, पढ़ते हैं सब लोग, सबके घर में है। हाथ ऊपर करके बोलो, तभी हमें भरोसा होगा ईश्वर साक्षी रहेंगे यहाँ। किनके किनके घर में रामचरितमानस? गुड स्टूडेंट, ऐसा दिव्य पावन ग्रंथ हम जहां बैठे हैं, अगर यहां भी किसी के घर में रामचरितमानस नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। जहां से मानस की सरिताएं बहती हैं, हमारे बुजुर्गों को जहां मानस की एक एक चौपाई, वो आंख बंद करके घंटों बोलते जाएंगे एक तरफ से, ये ऐसा क्षेत्र है। किसी जमाने में बड़े बड़े वक्ता यहां आने में डरते थे, कोई कुछ पूछ ना बैठे। तो कहने का तात्पर्य है, उनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है, हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, सच्चिदानंद सत है, चित है और आनंद। सत क्या है? कालत्रयेपि तिष्ठति, तीनों काल में जिसका विनाश नहीं होता उसे हम कहते हैं सत। सत्य हम जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये झूठा है, क्योंकि एक दिन ना मैं रहूंगा ना आप, ना दृष्टा रहेगा मनोदृष्टि रहेगी, इसलिए सत्य नहीं है। हम कितना भी मजबूत भवन बनाएं उसकी भी एक सीमा है, वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी सत्य नहीं है। यानी संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है। जब कुछ नहीं होता तो वही होता है, और जब कुछ बनता है तो वही बनता है, और जब सब नष्ट हो जाता है तो सिर्फ वही शेष। तो ये सत भगवान का स्वरूप, चित चैतन्यता, प्रकाश, ऊर्जा। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब उन्हीं की चेतना से हम सब चैतन्य हैं। और जिस दिन उन्होंने अपना पावर निकाल लिया तो सामने वाले ने कहा मर गया, और जो मर गया है उसे हम कितना प्यार करते थे। बोले यहां का विधान है कि एक रात से ज्यादा ये रखना नहीं पाए, रखा नहीं जाएगा। अगले दो चार दिन हमने शोक मनाया, तस्वीर लगा करके स्वर्गीय लिख दिया, अपने मन से स्वर्गीय लिख दिया, ये लीजिए जबरदस्ती। अद्भुत बात है ना, मरने वाले की तस्वीर के नीचे हर व्यक्ति स्वर्गीय ही लिखता है। लो कितनी मनमानी है, कहे आप देखने गए कहां गए, पर ये हमारे एक विचार है कि स्वर्ग में जाएगा, वो तो उसके कर्म ही है, वो कहां जाएगा। तो चैतन्यता यही है प्रकाश। तो महाराज, सत चित और आनंद, किसी वस्तु को पाकर, किसी पदार्थ को खाकर हम कहते हैं आनंद आ गया, रसगुल्ला खाया और आनंद आ गया। अच्छा ये बताइए, आनंद आ गया होता तो दोबारा रसगुल्ला खाने की चाह होती? नहीं होती। अभी तो खाया था, शाम को फिर इच्छा हो रही कि एक और मिल जाए, इसका मतलब ये आनंद नहीं आया है। जिसे प्राप्त करके वह आनंद कभी नष्ट ही ना हो, वह है सच्चिदानंद और वह है ईश्वर। और जिसने इस आनंद को अपने जीवन में एक बार उतारा है, उसे संसार में फिर दोबारा कोई आनंद अच्छा नहीं लगता है। भगवान के बड़े दिव्य दिव्य 24 अवतार हुए हैं, उनमें से 10 अवतार हम प्रमुख जानते हैं, उनमें भी राम कृष्ण की हम सब उपासना करते हैं। भगवान का एक नाम है सरल। क्या नाम है? सरल, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सरल हूं, लेकिन वो हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि हम हैं कठिन, और कठिन को सरल नहीं मिलता। सरल को प्राप्त करने के लिए हमको सरल बनना पड़ेगा। अब भगवान कितने सरल हैं ये बात मैं आपको बताऊं। अच्छा आप लोग कथा सुनने आए हैं, जितने भी बैठे हैं,
पर आपकी चेहरे की उदासी बता रही है कि आप सब अपने अपने घरों से बड़े दुखी हैं। ये अपनी नारी शक्ति भी चेहरे पे 12 बजा के बैठी है। कथा इसीलिए है कि जो काम आप घर पे ना कर सको खुल के, यानी कि घरों में आजकल हंसना भी गुनाह है, हम खुल के हंस भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा चारों तरफ का दबाव बना हुआ है। तो कथा में आप लोग बिल्कुल देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी देवता होकर के, यानी देवता स्वरूप प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक भाव, ये सब अपने अंदर बिठा करके और फिर भगवान की कथा सुनना चाहिए। एक जगह कथा बोल रहा था तो ऐसे ही बूढ़ी मैया 95 वर्ष की, चेहरे पे 12 बजा। मेरी आदत है कि मैं किसी को टेंशनाइज नहीं देख सकता, मैं स्वयं प्रसन्न रहता हूँ और सबको प्रसन्न रखता हूँ। तो मैंने कहा, मैया बोल क्या बात है, इतनी टेंशन में काहे को, कथा सुनने की बात भी तेरे को टेंशन, बहुत ठीक है क्योंकि घर में ज्यादा यही टेंशन है। बोले नहीं, भगवत कृपा से बहू तो बड़ी सुशील गौ मिली है। हमने कहा, अगर सिंग वाली हुई तब? बोले नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल। हमने कहा, फिर काहे की टेंशन है, ताला लगा के आई है घर में? बोले हाँ, फिर भी इतना टेंशन? अब तो बता दे कि मैं ही सारी बात बताऊं। बोले महाराज जी, ताला तो लगाया है पर लगाने के बाद हिलाना भूल गई। अब 4 घंटे वही दिमाग है कि लगा भी होगा कि नहीं। मैंने कहा ना, कई बार शरीर हमारा यहाँ बैठा रहता है पर मन हमारा चंचल भटकता रहता है। तो भगवान ने देखा कि इन 24 अवतारों में मुझे कोई चाह नहीं रहा, कोई प्राप्त करने की कोई योजना नहीं बना रहा, कोई उद्यम नहीं कर रहा, तो क्या मैं कठिन हूं? तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने आप को और सरल करता हूं। तो भगवान ने एक और अवतार लिया। देखिए, भगवान के अनंत अवतार हैं, 24 तो प्रमुख जानते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुन ही बहु विधि सब संताने। यही कथा आपको दूसरा सुनाने आएगा तो दूसरे तरीके सुनाएंगे, कथा वही। तो भगवान का एक अवतार हुआ विग्रह अवतार। आपके सामने ठाकुर जी बैठे, ये भगवान का विग्रह है। ये हमारी कल्पना है कि वो ऐसे होंगे, बनाने वालों ने कल्पना। भाई हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, बंसिका लेते हैं, पीताम्बरी कुंडल पहनते हैं, नासिका, ये सारी तो एक अपनी कल्पना है कि ऐसे इतने सुंदर हैं ठाकुर। तो जब कल्पना में इतने सुंदर हैं, वास्तविकता में वो कितना सुंदर होगा? अरे वो सब छोड़िए, हम सबको उन्होंने बनाया है, तो हम सबको बनाया है तो कितना बड़ा कारीगर है, इतने जबरदस्त सांचे हैं उसके पास, अद्भुत व्यवस्था। या आप जितने लोग हम बैठे हैं उतने प्रकार के दिख रहे हैं, उससे बड़ा जादूगर और उससे बड़ा कारीगर कोई है नहीं। और कितने सुंदर सुंदर स्वरूप बना बना करके उन्होंने भेजा है। तो बनाने वाला कोई रचना करता है, लिखने वाला तो कोई ना कोई एक मुख्य जो बात होती है उसको छिपा के रखता है कि भाई हम सुंदरता तो देंगे पर अपनी वाली नहीं दे पाएंगे कि हम जितने सुंदर हैं। तो इसका मतलब है कि जब इतने सुंदर सुंदर बना के वो भेज रहा है तो वो बनाने वाला अद्भुत होगा। तो भगवान ने एक अवतार लिया, विग्रह अवतार, ये भगवान के अवतार है। अब ये इतने सरल हो गए कि आप अपने घर में जहां बिठा दो वहीं बैठे रहते हैं। बताइए, कभी डोलते? और हमारे वकील साहब ने सुबह अद्भुत बात बताई, इनके ठाकुर डोलते हैं घर में। तो जब हमारा भाव हो जाता है तो वो भी डोलता है। हम भगवान हमें बनाता है और हम भगवान को बनाते हैं, ये बात सही है। हमारी भावना ही उन्हें भगवान बनाता है। हम बाजार से मूर्ति लाते हैं तो उस मूर्ति को बनाने वाला उसी के छाती में बैठकर छेनी टांकी लगाता है और कई बार दाने दाने में केसर का दम खाए रहता है, मार भी देता है उसे।
फिर हम लाते हैं, संजोते हैं, तैयार हुई आचार्यों को बुलाकर वैदिक परंपरा से हमने उनमें देवत्व डाला, हमारी भावना। अच्छा ये तो ठीक है, बड़ी बात हो गई। एक समय ऐसा भी होता था जब घरों में इतनी सुंदर मूर्तियां भगवान के विग्रह नहीं होते थे, तो पूर्वज कैसे पूजा करते थे? बोले रास्ते में चले जा रहे हैं तो कहीं भी एक सुंदर सा गोलाकार चिकना कोई पत्थर पड़ा है तो उसे उठा के ले आए, सुंदर लग रहा है। तो घरों में आंगन होता था तो उसमें तुलसी चौरा बना होता था, उठा के रख दिया। उन्होंने कहा रास्ते पे हमें भगवान मिले। अब वो पत्थर हैं लेकिन हमारी भावनाएं टिक गई कि भगवान मिले हैं, तो वास्तव में वो हमारे साथ हमारे घर आ गए और हमने रख लिया। अब वहां प्रतिदिन जल चढ़ाने लगे, चंदन लगाने लगे, चावल चढ़ाने लगे, भोग लगाए, आरती। अब वहीं से सब काम हो रहा है, वहीं से। वो पत्थर जो रास्ते पे पड़ा था, हमारी भावना ने उसे भगवान बना दिया, हमारे सारे काम वहीं से हो रहे हैं। हमारे पूर्वज इतना नहीं डोलते थे भगवान के लिए जितना आज हम डोल रहे हैं। यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, यहाँ सभा लगा, वहां दरबार लगा, पब्लिक पागल है, भाग रही है। अरे घर पे जो बैठा है, आप बाहर बाहर जाते हो हजारों रुपए खर्च करके कि हमारे काम हो जाए, पर जो आपके घर में बैठे उनसे कहो ना, वही करेगा सही। और बात तो वही हो गई कि घर के लड़का गोही खाए, मामा खाए, माउट। घर के देवता तो बिचारे, घरों की देवताओं की हमने बड़ी दुर्दशा प्रारंभ किया। घर की जो सबसे फालतू जगह होती है वही बोले मंदिर बनवा दो, जो कोई काम की जगह नहीं है, और वहां भी उनको बिठा दिया है। कई कई घरों में तो मैंने देखा है उनके देवता जो बैठे हैं साल में सिर्फ एक ही बार अच्छे से नहाते हैं, दीपावली की, दीपावली बस। साल भर तो केवल दूर से जल उल छिड़का, जल्दी जल्दी चंदन बंदन फेंका, खा क्या रहे हैं हमारे देवता हमारे घरों में इतने सालों से, क्या खिला रहे हो आप? बोले चीनी और मिश्री। हमारे घर में बैठे हमारे ठाकुर हमारे देवता सालों से, कई कई सालों से केवल चीनी मिली है उन्हें खाने के लिए, अब नहीं मिलता कुछ। बहुत अच्छे लोग हैं तो कह देते हैं मिश्री ले आओ। अब मिश्री उतनी ही लाएंगे, एक महीने में 100 ग्राम में पूरे महीने भर का भोग हो जाए, और भोग में उतने ही दाने रखेंगे, घर के हर सदस्य को एक एक दाने प्रसाद भी मिल जाए। ये हमारे घर के देवता ये इतने सरल है फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारी भावना है, ये बड़े सरल हुए तो भगवान का एक अवतार हुआ, विग्रह अवतार। फिर भी भगवान ने देखा कि ये हमें प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो भगवान ने अद्भुत अवतार लिया है, और वह अवतार है भगवान का शब्द विग्रह, शब्दावतार, जिसे हम सुन रहे हैं। ये कथा, ये भगवान का शब्दावतार है, शब्द विग्रह। एक एक शब्द, एक एक श्लोक जब हमारे कान में जाते हैं तो हमारी जो ये भव बाधा लगी है, भव रोग जो लगे हैं, वो सारी बीमारी हमारी दूर हो जाती है। हम सब बीमार हैं, हम सब बीमार हैं। बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, ये बताइए। हम शरीर से भी अस्वस्थ हैं और मन से भी हम अस्वस्थ हैं। मन से भी अस्वस्थ हैं, शरीर से भी। तो बोले मन को स्वस्थ करना है तो भगवान, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। तो मन को स्वस्थ करना है तो भगवान की कथा ही इसके लिए औषधि है। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा ये भगवान की हम जो कथा सुन रहे हैं, ये भगवान का शब्द विग्रह है। कानों से जितनी ये औषधि जाएगी उतना भव रोग नष्ट होगा,
अच्छा भाव रोग क्या है? आप हमारे बुजुर्ग भाई आए हैं, कुछ तो चंदन लगा के आए, कुछ आज लगाना भूल गए। भाई नारी शक्ति को तो भगवान ने ऐसा चंदन दिया है कि हमेशा लगा रहता है, वो ठीक है, और हम भी भगवान की चर्चा सुने, वैसे तो हमेशा लगाना चाहिए। एक सज्जन बड़े चालाक बोले, आपको कैसे लगा कि हमने चंदन नहीं लगाया? हमने कहा दिख नहीं रहा। बोले हमने जल का चंदन लगाया। हमने कहा आओ परमात्मा, आज भले ही भूल गए हैं, कल से सब लोग लगा, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म की जय तो बहुत बुलवाते हैं और उस पर कोई हम लोग अमल नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान का स्वरूप आप जान गए, सत चित आनंद, वही इस संसार को बनाते हैं, सृजन पालन और श्रृंगार। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू ही प्यासा, राम राज नहीं काहू ही प्यासा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दैहिक दैविक और भौतिक, भागवत जी में लिखा है तापत्रय विनाशाय। देखिए जो तीन प्रकार के ये ताप हैं, इन्हें हम निर्मूल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए भागवत जी में तापत्रय विनाशाय, तापत्रय निवारणाय, तापत्रय उन्मूलनम बहुत बार आया। लेकिन एक उपाय है, जैसे हम चूल्हे पर कोई पात्र चढ़ाएं जल गर्म करने के लिए, तो जल तो गर्म हो ही जाता है लेकिन पात्र भी गर्म हो जाता है, तब उतारेंगे कैसे? बोले कपड़े से पकड़ के उतारेंगे, तो पात्र भले ही गर्म है लेकिन हम जलेंगे नहीं, क्योंकि हमने आवरण ले रखा है। उसी प्रकार से हम तीन प्रकार के तापों को निर्मूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि जीवन में भगवान नाम का आवरण है तो वो हमें तपाएगा नहीं। तो तीनों प्रकार के तापों से बचना है तो करें क्या? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री यहां पर राधा जी का द्योतक है, यानी प्रिया प्रियतम के साथ उनकी पावन छवि को निहार करके जीव जब प्रणत हो जाता है पूर्ण शरणागति, उस समय महाराज इस संसार के उसे ताप तपा नहीं सकते। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, माला भी करते हैं, जाप करते हैं, पर उस पर हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है, पूरा पूरा विश्वास नहीं। आप विचार करें, जब हम मंदिर जाते हैं तो परंपरा तो यही होती है कि भाई दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हो तो मस्तक तो रख ही दो। वैसे तो भगवान के सामने दंडवत हो जाना, डंडे की तरह गिर जाना चाहिए, लेकिन हम कपड़े मड़े महंगे पहन के गए हैं और वहां कीचड़ और धूल मची हुई है, सोई गंदा हो जाएगा, तो हम प्रणाम भी ऐसे करेंगे कि कपड़ा गंदा ना होने पाए, हम चाहे पूरे गंदे हो जाएं, ऐसे ही तो प्रणाम करते हैं। नहीं, इसका मतलब है हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है। नर कपड़न ते डरत है, नरक परन को नाय। तो जिस दिन प्रिया प्रियतम के चरणों में जीव की पूर्ण शरणागति हो जाती है, उस दिन वह जीव को
अपना बना लेते हैं, अपना लेते हैं, क्योंकि ईश्वर और जीव शाश्वत सखा हैं। सखा मतलब सह खेलती खादती, सखा वही है जो साथ में खाए और खेले, ऐसे ईश्वर और जीव का जोड़ा है। अब हम बिछड़े कैसे, ये चर्चा आगे आपको मिलेगी। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब आइए मंगलाचरण श्लोक के बाद अब हम नैमिषारण्य की पावन भूमि में प्रवेश करें, जहां सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। नैमिषे सूत मासीनो अभिवात्य महामति कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवी। इस एक श्लोक में बहुत सी बातें बताई गई हैं। हम कथा सुने तो कथा का स्थल कैसा होना चाहिए, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा का श्रोता कैसे होना चाहिए, बहुत सी बातें बताई। नैमिष में कथा हो रही है, नैमिष का मतलब है जहां एक एक निमिष की महिमा हो। निमिष मतलब पलक एक बार जब ऊपर से नीचे गिरती है उसको कहते हैं नैमिष, यानी बहुत कम समय। तो जहां कथा में हम 3 घंटे 4 घंटे बैठे वहां कोई भी बात हमसे छूटने ना पाए, भाई मन से सुनेंगे नहीं और बाद में कह देंगे कि व्यास जी को कुछ आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता, बाद में तो व्यास जी के ऊपर आता। और मैं तो, मुझे तो बोलने की बीमारी है, अगर सुनने वाले मिल जाए तो फिर टाइम की भी कोई सीमा में नहीं देखता, पर सुनने वाले हो तब, अगर सुनने वाले श्रोता नहीं है तो फिर एज ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, बोले 3 घंटा बोलना चाहिए विषय, उसमें भावनाएं खत्म होने लगती हैं, और जिस विषय से भावना निकल जाती है उसका रस खत्म हो जाता है। अभिवाद्य महामतिम कहते हैं, जहां पर कथा हो वहां पर गंगा अथवा यमुना संगम ऐसा कोई किनारा होना चाहिए, तो यहां तो कोई कमी है नहीं। और वैसे भी जहां भगवान अच्युत की कथा होती है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सब अपने आप आ जाते हैं। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर देवता सप्तऋषि महापुरुष चिरंजीवी आकर के बड़े गुप्त रूप से कथा सुनते हैं, वो सब हैं यहां पर, हमें दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, अब आप ही बताओ, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो सोफा में बैठे आपको सोने का मुकुट पहने दिखाई दे जाएं, छोड़ोगे आप लोग, अरे बाबा 5 किलो का मुकुट सोने का उतारा तो इनका, ये होंगे जहां के देवता होंगे, अभी तो हमारे गांव में है ना, इसीलिए वो ऐसे आप बड़े गुप्त तरीके से, हमारा कलयुगी प्राणी को जानते हैं कि पागल आदमी 10 रुपया में जो है गला काट देता है, सभी रहते हैं गुप्त रूप से भगवान जा। कथा का स्थान बड़ा पावन है। अब सबसे बड़ी बात है कथा का वक्ता और उसका चुनाव, क्योंकि एक परंपरा यानी एक पीढ़ी में हम एक बार भागवत जी की कथा सकाम होकर के संकल्प लेकर के विधि विधान से हम सुनते हैं, वो भी बड़े मुद्दतों के बाद, कहीं कोई हर व्यक्ति नहीं, और उसमें भी कई लोग जब वक्ता का चुनाव गलत कर लेते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसा वक्ता हूं, पर आप लोग 7 दिन सुनने के बाद बताइएगा कि वक्ता का चुनाव सही था अथवा गलत, वो तो रिजल्ट
स्टूडेंट और टीचर का लास्ट में ही आता है। आपका रिजल्ट मैं बताऊंगा, मेरा आप। तो वक्ता में सर्वप्रथम विचार हमें यह करना चाहिए, भाई लाखों रुपए हम खर्च करते हैं इस व्यवस्था में और जिस लिए किया वो सही से ना हो पाए, तो सबसे पहले भागवत जी का जो वक्ता हो वो पुरुष शरीर होना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति सूर्य चंद्रमा तक तो पहुंच ही गई है। अब कथा में भी बड़ी होड़ लगी है, सर्व मंगल मंगल ले आता नहीं है, और देवी जी अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक, और अंतर्राष्ट्रीय किसने बनाया, हमारे जैसे पागल श्रोताओं ने। तो यदि अपना और पूर्वजों का कल्याण चाहिए तो पहले तो वक्ता पुरुष शरीर हो और उसके बाद वह शरीर ब्राह्मण का होना चाहिए जो परंपरा है, और मौज मस्ती करना है तो चाहे जिसे बुला के बिठा दें आप। भाई कथा का जो लक्ष्य है हमारे, जो परंपरा है, इसके बाद अच्छा बहुत से कई बार हम आपस में चर्चा करते हैं, श्रोताओं को पता ही नहीं कि कथा होती क्या है। अब सामने वाला जो सुना देगा वही कथा है। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि भागवत की पोथी लेकर के बैठो, अगर भागवत से इतर बोला जाए तो उसे टोक दो कि आप क्यों बोल रहे हो भाई, इतना बड़ा विषय है कि 7 दिन में वही पूरा नहीं होता, फिर भी बाहर की चर्चा लोग करें तो भागवत में प्रवेश ही नहीं करते हैं, बाहर ही बाहर बाहर हो जाते हैं। श्रोता खूब ताली बजाते हैं, वाह महाराज बड़ा आनंद आया। हम एक वस्त्र लेने जाते हैं तो बड़ी परख करते हैं उसकी, या कोई सामान लेने जाएं, आप जानिए कि शास्त्री आगे लिखा हुआ है तो वास्तव में ये शास्त्री है, कहीं गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किया, कोई डिग्री तो मान लीजिए मोल मिल रही है। और कहने का तात्पर्य आप इतने विवेकी बनिए कि वक्ता का चुनाव अब श्रोताओं के लक्षण भी जानिए। अब श्रोता हमारे यहाँ के कितने गलत तरीके से बैठे हैं, बैठने वाले देखिए और परे हैं, लात मलात लगाए इतना भौसा। अब हम टीचर हैं भाई, अब बुरा ना मानिएगा, पर तरीका कोई भी गलत दिखेगा तो हम बोलेंगे और इसके बाद आपको बुला करके कहेंगे क्षमा कर दीजिए गलती हो गई। भाई ये भी तो देखना है कि तू परदेश में अपरे जब हम तरीके से बैठ कर देखिए, किसी को परेशानी है शरीर में, प्रॉब्लम है, कोई बैठ जैसे बैठो भाई, पर यदि बैठने में हम सामर्थ्यवान है तो तरीके से बैठे। अब बाकी तो कई बार हम बिस्तर डलवा देते हैं, परे परे सुनो। तो श्रोता पहली बात तो वक्ता के प्रति असीम श्रद्धा उसकी होनी चाहिए। नैमिषे सोतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसा स्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रोता का जो सबसे बड़ा लक्षण है कथामृत रस स्वाद कुशलः, यानी कथा सुनने में हमें कुशलता होनी चाहिए। कुशलता यही है कि कोई बात हमसे मिस ना हो, अच्छे से बैठकर 3 घंटे और कथा हम सुनते रहें और हमारे जिह्वा से हमारे इष्ट का नाम भी चलता रहे, ये विधि होती है। भाई आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसको मन में आप जाप करते जाओ, अथवा मंत्र नहीं लिया है जो नाम अच्छा लगे उसका स्मरण करते रहो, इतने सारे भगवान के नाम हैं। अब देखिए ये 88,000 ऋषि हैं शौनक आदि, आप कोई भी कथा सुनेंगे तो कथा यहीं से प्रारंभ होती है, चाहे सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुने तो जो आपने आचार्य बुलाए हो यहीं से प्रारंभ करेंगे कि सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अच्छा तो देखिए संख्या में शौनक आदि 88,000 हैं पर नाम सिर्फ एक का ही क्यों, उसका भी कारण है। देखिए जीवन में हम एक दूसरे को देख करके बहुत सी मैचिंग करते हैं, जैसे कल कलश यात्रा हुई
तो हम लोगों ने कितनी अच्छी मैचिंग करी थी, चारों तरफ पीला। हमारी जो माताएं बहने हैं पीली साड़ी, पीले कंगन, पीली टीकी, सब कुछ वैसा ही। ये मैचिंग है। हमने पड़ोसी का घर देखा तो लगा ऐसा हमारा होना चाहिए, तो व्यवस्था करके वैसा ही बनवाया, वैसी कार भी लाए, बहुत कुछ। तो हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हम आज तक किसी का किसी से नहीं मिला? एक जीवन का खास पहलू है, एक जीवन में हमारे एक ऐसी विशेषता है कि वह किसी का किसी से मिला ही नहीं, अब मिलता ही नहीं, वह है मन। क्या? मन। हमारा किसी से मन नहीं मिलता, किसी का किसी से नहीं मिलता। रिश्ते ढोए जा रहे हैं बोझ मानकर, दोस्त का दोस्त से मन नहीं मिलता, जबरदस्ती दोस्ती निभा रहा है। पिता का पुत्र से मन नहीं मिलता, पुत्र का पिता से नहीं मिलता, पत्नी का पति से नहीं मिलता, पति का पत्नी से नहीं मिलता। ये है मन की अव्यवस्था। हम जीवन में सब कुछ मिला पा रहे हैं पर मन क्यों नहीं मिलता है? और मन ही बंध मोक्षयोः कारणम्। मन से ही सब कुछ है। जिसका जिससे मन मिल जाए, मोहब्बत रंग लाती है। हमारे बुजुर्ग बैठे, मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सौनक आदि 88,000 हैं, लेकिन नाम एक का इसलिए आया है कि इन सब के मन मिलते हैं, शरीर स्वरूप और कुछ नहीं मिलता। और कुछ न मिलने दीजिए आप। कहते हैं ना कभी कभी मन का बड़ा अच्छा आदमी है, तो मन का ही अच्छा माना जाता है। और जो मन का अच्छा है उसे ईश्वर भी अच्छा मानता है। तन का तो कोई भी अच्छा हो जाएगा। तन को सुंदर बनाने के लिए इतने पदार्थ हैं, इतनी व्यवस्थाएं, कोई भी अपने तन को सुंदर बना सकता है। लेकिन ईश्वर में और जीव में यही एक अंतर है। हम संसारी हैं, हम बाह्य सुंदरता देखते हैं। हम देखेंगे अमुक व्यक्ति बैठे हैं, आप कितने सुंदर हो, किसी ने कहा बड़े हैंडसम हो, क्योंकि हम बाहर की सुंदरता देख पा रहे हैं, अंदर की तो नहीं देख पा रहे। तो हम बाहर की देखते हैं क्योंकि हम जीव हैं, और ईश्वर अंदर की सुंदरता देखता है, वो बाहर की नहीं देखता है। तो मन सुंदर बना रहे, तन भड़े ही थोड़ा। अच्छा मुझे देखिए, मैं इतना बन ठन करके मंच में क्यों बैठता हूं? मैं अपनी बात दिली बात बोलता हूं। अगर मैं गंदा बन के बैठ जाऊं तो कल से मुझे कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं संसारियों को जानता हूं। भाई हमारा लक्ष्य है कथा कहना, पर संसारी क्या देखता है? बोलता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब व्यास जी का बैनर लगा और भव्य तस्वीर लगी हो, कलश यात्रा में व्यास जी बड़े लटक पटक वाले हो, तो बोलते हैं बड़े अच्छे व्यास जी हैं, चलो भाई कथा सुनने चलते हैं। और गंदे गंदे कोई व्यास जी, और देखिए कोई महापुरुष जो बड़ा सिद्ध हो, बहुत सिद्ध हो और मैले कुचैले कपड़ा पहना हो, दो तीन दिनों से नहाया ना हो, आपके दरवाजे के पास आए तो आप भगा दोगे उसको। ये हमारी दृष्टि है। और कोई एक नंबर का आतंकवादी बढ़िया वीआईपी कोसा के कपड़ा पहना हुआ हो, बढ़िया दिव्य सोने की चैन पड़ी हुई हो, और बढ़िया वीआईपी सफारी से उतरे, तो आप लोग फूलों की उसके लिए चटाई बना के बिछाओगे कि बड़ा सिद्ध होगा ये। ये हमारी दृष्टि है। तो हम संसारी हैं, अपने तरीके से सोचते हैं। और सौनक 88,000 ऋषि हैं, इन सब के मन एक हैं, इसीलिए सौनक आदि 88,000 ऋषि। तो वक्ता श्रोता स्थान सारी बातें आ गई। अब सूत जी से सौनक आदि ऋषि में से सौनक जी प्रतिनिधित्व करते हुए उनसे प्रश्न करने लगे। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। सौनक जी कहते हैं सूत महाराज, ये कलह युग बड़ा खराब है। कलयुग नहीं, कलह युग। कलह, चारों तरफ कलह मची हुई है।
लोगों में ज्ञान कैसे आए। जैसे हमारे परीक्षित जी हैं, धर्मपत्नी मधु जी, वो मुझसे जब भी मिलते ही पूछते महाराज कोई ज्ञान की बात बताइए, बड़ा अच्छा लगता है। और वो समय कभी नहीं मिला, हम भी सोच रहे थे कभी समय मिलेगा तो 7 दिन इतना बताएंगे कि ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लगा। तो ज्ञान मानव का कैसे बढ़े, उसको विवेक कैसे आए, विवेको वर्धते महान, महान विवेक की प्राप्ति कैसे हो। व्यक्ति का जो सबसे बड़ा डर है, जीव का सबसे बड़ा डर क्या है, मैं मर जाऊंगा। ये मानव का सबसे बड़ा डर है। जिन्हें मरने से डर नहीं लगता उन्होंने अपने बालों को आज तक काला नहीं कराया है। हाँ यही। और जिसे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, एक सफेदी आई है कि तुरंत उसको काला करा जाता है। अच्छा, जो काले कराते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी है। कौन सी आप बस की बात कर रहा हूं, मैं स्वयं काले करा के बैठा हूं। क्या समझते हैं, 40 के ऊपर हो गया हूं मैं भी। तो एक जगह मैंने महापुरुष से बात सुनी थी कि स्वेते स्वेते सब भले, सफेदी बड़ी अच्छी लगती है, उसकी केयर करना पड़ता है बस। स्वेते स्वेते सब भले, अश्वेते भले न केस। बोले सफेदी बालों में भर अच्छी नहीं लगती। क्यों? बोले नारी नवय ना। बोले यदि पुरुष के बाल सफेद हो गए हैं तो स्त्री सम्मान करना धीरे धीरे कम कर देती है। बोले बूढ़ा हो गया है तो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जजमान कल ही काले करा ले, वो मतलब सभी लोग सुन रहे हैं ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग हंसते हो तो मुझे बड़े प्यारे लगते हो। भाई किसी बहाने तो हंसो। नारी नवय ना, रिपु डरे। शत्रु भी जो है डरना छोड़ देता है कि अरे बालों में सफेदी आ गई मतलब बूढ़ा हो गया, अब लड़ नहीं सकता। अन्ना आदर करे नरेश। और राजा भी जो होता है वो भी सम्मान करना छोड़ देता है, हमारे काम लायक नहीं है, बूढ़ा हो गया, ऐसी बात। तो कहते हैं सबसे बड़ा जो डर है मैं मर जाऊंगा, तो ये डर कैसे खत्म हो, क्योंकि हम सभी काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हैं। और वो कब बंद कर ले, अभी अपने बीच में कितने ही लोग, खबर आ जाती है अगले दिन ही स्टोरी में लगा देते हैं चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। और जो जो स्टोरी लगा के बैठा उसे लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं। अरे तेरी भी स्टोरी बनेगी किसी दिन, अचानक बन जाएगी। वो ऐसा देश है कि यद गत्वान अनिवर्तन्ते। अगर हमने ईश्वर को सही ढंग से पहचाना है तो इस देश में तो हम बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी मानव बने कभी कीट बने कभी पतंग बने कभी मच्छर बने। लेकिन वो ऐसा देश है कि वहां जाकर के फिर कभी वहां से वापस नहीं आना पड़ता। वो देश अच्छा है कि जहां से आना ना पड़े, कि वो जहां बार बार आने जाने का चक्कर हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना बार बार मर जाना। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। अब हम पैदा होकर के बड़े हो गए हमें, लेकिन कहते हैं गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है न भूतो न भविष्यति। वो तो प्रार्थना करता है हमें यहां से निकालो, हम आपका भजन ही करेंगे। और जैसे ही जन्म हो गया थोड़ी जानकार हो गए कि भाई 84 का चक्कर भूल गए कि हम कुछ कहें कि भाई हमें निकालो तो यहां से। सब मर जाएंगे एक दिन। हाँ, दो पल की जिंदगानी
एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचते हो पल का नहीं ठिकाना। चले गए जिनके साथ हम खेले, जिनके साथ बैठ के हम लोग खाए, जाते जा रहे हैं। एक समय तो ऐसा होता था जब पतझड़ आता था तभी पत्ते झड़ते थे, है ना भाई? जो वृक्ष है उसमें जो पत्ते लगे हैं, तो जब पतझड़ आए तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, और जैसे ही बहार आई कि फिर से उनमें हरियाली आ गई, तो बोले दादाजी पुराने पत्ते हैं ये झड़ गए, इधर जो है नाती का जन्म हो गया, नए पत्ते आ गए। तो ये प्रक्रिया तो चलो ठीक लगती थी कि पतझड़ आने पर पत्ते तो झड़ेंगे और बहार आने पर फिर से नए पत्ते आएंगे, पर अब ऐसा वातावरण है कि ये शरीर पतझड़ का इंतजार ही नहीं करता, कब कौन जा रहा है कोई ठिकाना नहीं। ये डर कैसे खत्म हो, कैसे विवेक बढ़े, कैसे ज्ञान आए। कोई ऐसी आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले अब मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे मानव का डर नष्ट हो जाएगा कि मैं मर जाऊंगा। मरना किसका सार्थक है? बोले जिसे दोबारा न मरना पड़े उसी का मरना सार्थक है। जन्म लेना किसका सार्थक है? बोले जिसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। बोले जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं मृत्यु भय को दूर करते, हमें जीना सिखाती है, हमें मरना सिखाती है, हम जिए कैसे। लेकिन उस कथा को सुनना है तो उसके लिए सावधान त्वया श्रुणु। सूत जी ने श्रोताओं को सावधान किया है कि भैया सावधान होकर कथा सुनो। सावधान कब किया जाता है? भाई आप सब्जी मंडी जाएंगे सब्जी लेने, तो आज तक किसी सब्जी वाले ने ये नहीं कहा होगा कि आलू टमाटर संभाल के ले जाना। वो बात अलग है, बीच में टमाटर के लिए बोलने लग गए थे भैया टमाटर संभाल के ले जाना, क्योंकि एक भी गिर गया तो 20 रुपए का गया। उस समय जितने चटनियां थे सबकी चटनी बंद हो गई थी। तो सब्जी वाले ने कभी कहा नहीं कि भाई संभाल के ले जाना, क्योंकि 2-4 आलू गिर जाएंगे कोई फर्क नहीं आएगा। पर जब आप कभी ज्वेलर के यहां जाते हैं, थोड़ा सा भी सामान लेंगे वो बार बार कहेगा भैया संभाल के ले जाना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी यदि गिर गया तो कितना भारी नुकसान होगा। तो जो बहुमूल्य है उस वस्तु के लिए, उस पदार्थ के लिए सावधान किया जाता है। तो यहां पर सूत जी ने सावधान किया है कि सावधान त्वया श्रुणु, इसका मतलब है जो कथा हम सुनने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग 7 दिनों तक विचार करते रहते हैं अब हम कल जाएंगे सुनने, और ऐसा सोचते सोचते पूरे 7 दिन निकल जाते हैं। वो तैयारी बनाएंगे और चलने की योजना हुई कि कोई ना कोई कारण बन जाएगा, वो आ नहीं पाएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कथा से नफरत होता है,